हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन जीएसटी के जितने भी टाइप हैं, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो डिफरेंस बिटवीन सीजीएसटी, एसजीएसटी / यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। हमने ऑलरेडी जो हमारी सबसे पहले जीएसटी की वीडियो थी उसमें ये चीज बताई है, पर आज हम इसका डिफरेंस इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बेस हम लेंगे, फिर उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। क्योंकि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे हमारा यूटीजीएसटी लगता है और बाकी की जो स्टेट है वहाँ पे एसजीएसटी लगता है। बट दिल्ली में हमारे पास हमारे खुद के चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ की खुद की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए दिल्ली में भी एसजीएसटी लगता है। उसके बाद आईजीएसटी। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा बेस है वो है मीनिंग, यानी कि इन चारों का मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, सीजीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल गुड्स एंड स्टेट टैक्स, यानी कि सी से सेंट्रल, जी से गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मीनिंग है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में क्या है। सीजीएसटी हमारा सेंट्रल है, एस यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। वहीं पे अगर यूटीजीएसटी देखें तो यूनियन टेरिटरीज में लगता है, तो ऑब्वियसली यूटी का यहाँ पे मतलब हो गया यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं लास्ट आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस है कि ये कब चार्ज होता है, चार्ज ऑन। देखिए, अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करती हूँ तो वहां मेरा आईजीएसटी चार्ज होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सपोज मैं दिल्ली की हूँ, मैं आपको कुछ सेल्स कर रही हूँ या हम सेल परचेज कर रहे हैं, और आप दिल्ली के बाहर के इंसान हो, तो इस जगह पे यानी इस ट्रांजेक्शन में हमारा आईजीएसटी चार्ज होगा, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम लिख देते हैं जब हमारी सेंट्रल सेल होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मेरी एक ही स्टेट में सेल और परचेज हो रही है, सेल परचेज हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी सप्लाई की जा रही है, तो वहां पे मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ठीक है। यानी जब भी लोकल सेल होगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोकल सेल, सेल्स। अच्छा, एक और बात, कई स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं, जैसे ये हमारा पेन है और इस पे 5% का जीएसटी है, तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि अगर आईजीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स कर रही हूँ तो 5% लगेगा, और सीजीएसटी अगर लोकल सेल कर रही हूँ तो 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी लगेगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आपका 5% पूरा टैक्स होगा जीएसटी पे, जो जीएसटी की जो वैल्यू होगी वो 5% होगी। वो आगे जाके कितने टाइप में बट रही है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर आप दिल्ली के बाहर ये पेन बेच रहे हो और 10 रुपए इसका प्राइस है और इस पर 2 रुपए का टैक्स है, तो आईजीएसटी आपका 2 रुपए लगेगा, ठीक है। बट अगर आप लोकल सेल कर रहे हो तो 50% सीजीएसटी में जाएगा और 50% एसजीएसटी में लगेगा, यानी 1 रुपए सीजीएसटी में और 1 रुपए एसजीएसटी में, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि जीएसटी की जो टैक्स अमाउंट होती है वो इक्वल रहेगी, भले ही आप सेंट्रल सेल्स करो या लोकल सेल्स करो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
जो कि है कलेक्टेड बाय, यानी कि ये जो टैक्स है वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल का नाम से ही समझ में आता है कि ये चीज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आ जाती है, तो इसलिए सीजीएसटी का जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और वहीं पे एसजीएसटी यानी हमारा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एसजीएसटी के जो अंडर टैक्स लगा होता है वो किसके पास जाता है? वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट। वहीं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सेल्स टैक्स जो होता है वो हमारा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये हमारी सेंट्रल सेल्स होती है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की में जो सेल हो रही होती है, इसलिए इसका पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे। इन्होंने कौन कौन से टैक्स को रिप्लेस्ड किया है? रिप्लेस्ड टैक्सेस सीजीएसटी ने किन किन टैक्स को रिप्लेस कर दिया? क्योंकि आप सबको पता है पहले हमारे डिफरेंट टैक्स हुआ करते थे, सीजीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स और ये सारे टैक्स हुआ करते थे, पर जीएसटी के आने के बाद इनमें से काफी सारे टैक्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और हर जगह हमारा जीएसटी लगता है। तो यही हम देखेंगे अपने फोर्थ पॉइंट में कि कौन कौन से जीएसटी के टाइप ने कौन कौन से टैक्स को खत्म कर दिया। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सीजीएसटी की। सीजीएसटी के आने के बाद जो टैक्स खत्म हुए हैं, जो रिप्लेस किए गए हैं, वो है सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यानी कि जहां पहले सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स लगा करता था वहां पे अब सीजीएसटी लगने चालू हो गए। अब देखिए एसजीएसटी ने कौन सा टैक्स रिप्लेस किया है? वैट, लक्जरी टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। आईजीएसटी ने कौन सा टैक्स रिप्लेस किया है? सीएसटी, क्योंकि पहले अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करते थे तो हमें वहां पे सीएसटी पे करना पड़ता था, जिसको हम सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते थे, उसकी जगह अब हमारा आईजीएसटी लगता है। इसलिए ये सारे टैक्स हैं जिनको इन तीनों ने चेंज कर दिया, क्या कहिए आप, रिप्लेस कर दिया। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि इन तीनों टैक्स में क्या डिफरेंस है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी में क्या डिफरेंस है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।